नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव वक्री होने वाले हैं, इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 2 अप्रैल 2024 की सुबह 3:18 पर बुधदेव मेष राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी टेढ़ी चाल से चलने वाले हैं, और 26 अप्रैल 2024 तक बुधदेव वक्री रहने वाले हैं। बुधदेव इस समयावधि में राहु, शुक्र और गुरु के साथ युति भी बनाने वाले हैं, तो इसका सभी 12 राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मकर राशि वाले जातकों, बुध महाराज आपके राशि के लिए आपके भाग्य भाव और आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं, यानी आपके लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध ही है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई, ननिहाल पक्ष, इन सब विषयों का कारक भी माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध का ही प्रभाव रहता है। साल भर में बुध देव 3 से 4 बार वक्री होते हैं, और दर्शकों, जब बुध वक्री होते हैं या अस्त होते हैं या जन्म कुंडली में या गोचर में बुध देव शुभ होते हैं, तो बुध के शुभ और अस्त होने से या वक्री होने से इसका जो प्रभाव है वो सभी राशियों के ऊपर पड़ता है। अगर बुध की अवस्था जन्म कुंडली पर सकारात्मक बनती है तो व्यापारिक सफलताएं भी मिलती है। वाणी के द्वारा ऐसा व्यक्ति मुश्किल काम को भी बना सकता है। बलि बुध का प्रभाव शेयर मार्केट में सफलता दिलवाता है, जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान दिलवाता है। पीड़ित बुध का प्रभाव नाक, कान, गले से जुड़ी हुई समस्या देता है, और आर्थिक समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। 2 अप्रैल 2024 को बुध आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर वक्री होने वाले हैं। मकर राशि वाले जातकों, आपके जीवन में इसका कई प्रकार से परिणाम मिलने वाला है। बुध आपके छठवें और नौवें भाव के स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव पर वक्री होंगे, तो कर्म क्षेत्र के लिए यह समय आपके जीवन में शुभ परिणाम देने वाला है। मकर राशि वाले जातकों, इस समयावधि में यदि आप पिछले समय से अधिक मेहनत कर रहे हैं और करियर के मामले में आपको ना के बराबर सफलता मिल रही है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में ये समय आपके जीवन में श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समयावधि में यदि आप बुध जनित क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे यदि आप टीचर हैं, लॉयर हैं, पत्रकारिता, वकालत, जज, मीडिया लाइन में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यदि आपका कोई भी कार्य व्यवसाय है, कथा वाचन करने का काम करते हैं, बुध की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाएगी। इसकी वजह से आपको कर्म क्षेत्र में और इन सभी कामों में सफलता मिल सकती है। हालांकि इस समयावधि में आपको टारगेट बनाकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि शनि के 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पर विराजित हैं, तो मकर राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य की स्थिति भी हावी होने वाली है।
और मकर राशि वाले जातकों के जीवन में चतुर्थ भाव पर वक्री बुध के प्रभाव से आपको भौतिक लाभ भी मिलने वाला है। इस समयावधि में यदि आप प्रयास करेंगे तो भौतिक सुखों को अर्जित कर सकते हैं। और जिन जातकों के पास इस समयावधि में व्यापारिक मामलों में आपको अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है, व्यापारिक जीवन के लिए भी अच्छी संभावना बनने वाली है। प्रेम संबंधों के मामले में और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मकर राशि वाले जातकों को सावधान रहना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का जिद अपने मन में निर्मित करने से आपको बचना चाहिए। और पारिवारिक जीवन के मामले में भी इस समयावधि में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कुटुंबीजनों के साथ व्यर्थ के विवाद की स्थिति आपको निर्मित नहीं करना है। चतुर्थ भाव पर बुध को अच्छा रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है और बुध गोचर करते हुए आपके पंचम भाव पर भी चले जाएंगे तो सेहत के मामले में कुछ सावधानी भी आपको 26 अप्रैल तक रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है तो खान पान की आदत का आपको ध्यान रखना चाहिए। शराब, मांसाहार, धूम्रपान इन सभी विषयों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस प्रकार का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, मकर राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको सभी प्रकार के बुध जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। साथ में यदि आप संभव हो सके तो बुधवार के दिन आप बहन, बुआ, बेटियों को, छोटी कन्याओं को नया वस्त्र डोनेट कर सकते हैं। इससे आपके लिए स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप गुड़ का प्रबंध करते हैं या गायों को गुड़ खिलाते हैं या हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके लिए सकारात्मक स्थिति बनने जा रही है। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।